हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग यहाँ पे बूटी स्टेप का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, और ये लेक्चर नंबर 21 है। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफी कुछ देख चुके थे गाइस, और आज हम लोग यहाँ कंटिन्यू करते हैं आगे से। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूँ आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए, मैं लेके चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमारा सारा का सारा वीडियो यहाँ पे अपलोड होते जा रहा है, हमारे जो भी हमारे यहाँ पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, ठीक है, बूटी स्टेप कंप्लीट कोर्स से हमारा यहाँ पे क्रिएट होया हुआ है प्लेलिस्ट। तो आप लोग जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले आप लोग जाकर के सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था कि हम लोग वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है, फॉर्म के अंदर हम लोग इनपुट ग्रुप्स क्या करता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखा था। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे काफी जो हमारा मेन पॉइंट रहता है बूटस्ट्रैप का, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम। क्योंकि हम लोग गाइस बूटस्ट्रैप मेनली यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव वर्क होने के लिए, जो भी हमारा वेबसाइट रहे, जो भी हमारा वेब एप्लीकेशन रहे, वो हमारा रिस्पॉन्सिव हमारा वर्क करे। सो गाइस, इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रिड सिस्टम को जानना काफी ज्यादा हम लोग को यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि हम लोग कैसे मतलब ग्रिड को सही तरीके से यूज करके हम लोग कस्टमाइज अपने हिसाब से, रिस्पॉन्सिव हम लोग अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट। सो गाइस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बेसिकली ग्रिड सिस्टम है क्या, तो ग्रिड सिस्टम बेसिकली हमको जैसे मैं आप लोग को CSS में पढ़ाया था, फ्लेक्स बॉक्स होता है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग को कुछ यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल मतलब हमारा पूरा जो विड्थ रहता है उसका हम लोग को यहाँ पे 12 हम लोग को मिल जाता है कॉलम। ऑलराइट, सो यहाँ पे 12 कॉलम जो हम लोग को मिलता है गाइस, और यहाँ पे देखिए ग्रिड यूज करने का कुछ रूल है, ठीक है, कंटेनर हम लोग को लेना पड़ता है, फिर हम लोग को रो लेना पड़ता है, देन हम लोग वहां पे कॉल का जो भी हमारा कॉलम का क्लास रहता है हम लोग उसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट वॉन्ट टू यूज 12 कॉलम इंडिविजुअली, यू कैन ग्रुप कॉलम टूगेदर टू क्रिएट वाइड कॉलम्स, वाइडर कॉलम, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा कि देखिए एक बार में आपको मतलब स्क्रीन पे कैसा यहाँ पे 3, 6, 9, 12, तो यहाँ पे टोटल हमारा क्या रहता है कि 12 हम लोग के पास कॉलम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग 4 करते हैं किसी भी कॉलम को, सपोज कि हम कॉलम MD को 4 रखते हैं, या कॉलम SM को 4 रखते हैं, कॉलम LG को 4 रखते हैं, ठीक है, कॉल हमारा यहाँ पे क्लास रह जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 12 को 3 भाग में अगर हम लोग को मतलब कि 3 हम लोग को डिवाइड करना रहेगा, ठीक है, 3 कॉलम में हम लोग को डिवाइड करना रहेगा, तो हम लोग कुछ ऐसा यहाँ पे 4, 4, 4 करेंगे, ठीक है, ठीक है, 4 हम लोग इंटू 3 करेंगे तो हमारा 12 हो जाएगा। अगर हम लोग को 2 भाग में करना है, एक का हमको 4 रखना है, दूसरा का हमको स्पेस 8 रखना है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि अपने टेम्पलेट को, ठीक है, अपने फॉर्म को, हम लोग अपने किसी भी हम लोग पेज को डिजाइन दे सकते हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे हम लोग कुछ मिल जाता है। अभी हम लोग देखिए यहाँ पे अभी हम लोग बात कर लेंगे कि ग्रिड का क्लास क्या होता है, ठीक है। तो ग्रिड का क्लास गाइस हम लोग को यहाँ पे अलग अलग स्क्रीन के हिसाब से, अलग अलग स्क्रीन के विड्थ के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे ग्रिड का क्लास मिल जाता है। जैसे अगर मैं सबसे पहले बात कर लूं यहाँ पे क्लास की, तो यहाँ पे कॉल एक क्लास आ जाता है, ठीक है, सिंपली हमारा COL रहता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या रहता है कि ये हमको सबसे छोटा अगर हम लोग का कुछ भी रहता है डिस्प्ले, दैट मीन्स देखिए सबसे छोटा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीन विथ लेस देन 576 px, तो देख सकते हैं ये हमारा नॉर्मली एक मोबाइल के हमारे इस साइज में आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग अगर बात कर ले यहाँ पे SM का गाइस, तो हम लोग का जो भी टैबलेट हो जाता है, कोई स्मॉल स्क्रीन हो जाता है, तो उन सारी चीजों में हमारा क्या कि कॉल SM यूज हो जाता है। इसका साइज विथ रहता है क्या, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 576 px, और इस तरीके से हमारा MD आ जाता है, ठीक है, जो हमारा मीडियम डिवाइस रहता है, दैट मींस कि हमारा लैपटॉप रह जाता है, हमारा डेस्कटॉप रह जाता है, ठीक है। अगर हम लोग बड़ा लार्ज डेस्कटॉप पे जाएंगे तो हमारा क्या होगा कि फिर हमारा LG में हमारा वो लार्ज डिस्प्ले कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हम लोग यहाँ पे तो कॉल MD मैं इसलिए डिफाइन कर दे रहा हूँ कि ये हमारा लैपटॉप के लिए है, ये हमारा MD है, तो ये हमारा क्या कि मीडियम हमारा साइज के लिए, स्क्रीन के लिए है, LG है, तो नॉर्मली हम लोग अगर जो बड़ा डिस्प्ले कोई भी आता है, ठीक है, तो उन सारी चीजों के लिए है, एक्सेल के लिए है, और यहाँ पे डबल एक्सेल के लिए चीजें हैं।
तो यहाँ पे साइज हमारा सारा का सारा दिया हुआ है कि हमारा कितना कितना यहाँ पे चाहिए रहता है, ठीक है, विड्थ का हमारा साइज। अभी यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कुछ होता है, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि कुछ रूल होते हैं हम लोग ग्रिड अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो वही चीज हमारे यहाँ पे बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्रिड फाइव वुड स्टेप फाइव ग्रिड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऐसा रोल अप्लाई करना पड़ता है, सॉरी रो अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। रो क्लास हम लोग को क्या है कि एक हम लोग को रो बना करके दे देता है, उसके अंदर हम लोग क्या है कि कॉलम अप्लाई करते जाते हैं अपने साइज के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो गाइस अभी यहाँ पे काफी ज्यादा बात हो गई है, तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लोग को डिव के अंदर रो को पास करना पड़ता है। अभी मैं आप लोग को लाइव अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं अपना जो भी हमारा क्लास का यहाँ पे बूट स्टेप क्लास ये हमारा रहा फोल्डर, इसको मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर पे ओपन कर देता हूँ, और इसके अंदर हम लोग हर एक लेक्चर में हम लोग इंडेक्स पे वर्क करते हैं गाइस। तो आज भी हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो सबसे पहले अभी मैं क्या करता हूँ गाइस कि यहाँ पे कुछ हमारा इंडेक्स पेज है, ठीक है। सबसे पहले मैं इंडेक्स पेज को रन करके देख लूंगा कि हमारा यहाँ पे ब्राउजर में कैसा दिख रहा है। तो कुछ मैं इससे पहले आप लोगों को कुछ फॉर्म के बारे में पढ़ाया था, तो वो सारे चीज यहाँ पे बना हुआ है। सो अभी मैं यहाँ पे बात कर लूँ अगर, तो सबसे पहले मैं सारे कंटेनर को यहाँ पे सिंपली कट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे से हम सिर्फ नेविगेशन रहने देंगे, ठीक है। देखिए अब हम लोग को कॉलम कैसे अप्लाई होता है, अब यहाँ पे ये चीज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक हम लोग डिव बनाते हैं, ठीक है, और देखिए डिव बनाने के साथ साथ हम लोग अगर कंटेनर, अगर आप लोग किसी भी टेम्पलेट पे काम कर रहे हो, ठीक है, किसी भी आप लोग अगर अबाउट अस पेज बना रहे हो, तो आप लोग को कंटेनर लेना कंपल्सरी होता है, ठीक है। उससे हमको क्या होता है कि एग्जैक्ट हम लोग को एक विथ मिल जाता है डिस्प्ले का, एक हमको एग्जैक्ट फिट विथ मिल जाता है, ठीक है। और हमको अगर फुल चाहिए होगा तो हम लोग कंटेनर फ्लूट का यूज कर लेते हैं, कंटेनर फ्लूट क्लास का यूज कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इसके हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम एक डिव ले लेते हैं, इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास ले लेते हैं, और क्लास में हम कुछ इस तरीके से कंटेनर फ्लूट पहले लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है कि विथ हमारा 100% है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक डिव बना लिया, ठीक है। सेकंड में हमको क्या करना पड़ता है कि हम लोग एक और डिव बनाते हैं, और हम लोग यहाँ पे एक और डिव बना करके बेसिकली गाइज अभी क्या करेंगे कि इसके अंदर हम लोग एक और क्लास ले लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ऐसा रो पास कर देंगे, रो क्लास को पास कर देंगे। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे कॉलम का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो अगर मैं कॉलम सबसे छोटा अगर बात कर लूँ, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखिए आप लोग बताता हूँ कि रिस्पॉन्सिव कैसे वर्क करता है, कि देखिए अभी यहाँ पे अगर इस तरीके से हमको बनाना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको बनाना है, तो हमको कैसा, अभी मेरा जो डिस्प्ले का साइज है वो मीडियम में आएगा, ठीक है, ये लैपटॉप हमारा मीडियम साइज में आ जाता है। तो हम लोग कैसे यहाँ पे पास करते हैं कॉल MD, ठीक है, 1, ठीक है। अभी इसके अंदर सिंपली हम यहाँ पे कुछ स्पैन टैग ले लेते हैं, या फिर नॉर्मली हम यहाँ पे कुछ कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे गाइस बना देता हूँ। और यहाँ पे अभी क्या है कि देखिए यहाँ पे MD1 है, अभी हमारा 100% विड्थ का अभी मैं क्या आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 12 रहता है टोटल। तो दैट मीन्स कि हम लोगों क्या कि अगर मैं 1 से ले रहा हूँ तो हमको 12 यहाँ पे कॉलम बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऑलराइट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नंबर इसको सही कर देता हूँ। तो सबसे पहले 1 2 3। सो गाइस देख सकते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कॉलम हम ग्रिड मतलब हम एक डिव लेकर के हर एक को डिव का नाम दे दिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा ग्रिड 1 ग्रिड 2 ग्रिड 3 इस तरीके से कि हमको 12 समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ गाइस, तो हमारा देख सकते हैं कि हमारा पूरा का पूरा विथ में काफी सही तरीके से हमारा हर एक चीज आ चुका है। देखिए अगर इसके अंदर सपोज कि मैं BG ऐसा कुछ अप्लाई कर देता हूँ, सपोज कि मैं यहाँ पे BG डार्क के, तो ये क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मैं वार्निंग ले लेता हूँ, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है गाइस कि यहाँ पे हमारा सिर्फ जो ग्रिड का हमारा विथ है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे इसको क्या 1 दिए हैं सिर्फ, तो 1 का हमारा जितना स्पेस होता है सिर्फ उसके अंदर ही इफेक्ट पड़ता है, ठीक
ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या है कि ग्रेड 12 ग्रेड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए बात तो यहाँ पे मैं इस आप लोगों को शो करने में रह गया कि चलो ठीक है 12 किस तरीके से शो करते हैं और बेसिकली हम लोग देखिए रिस्पॉन्सिव वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे तो मैं एमटी का बात किया, ठीक है। अभी जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो करेगा, अभी यहाँ पे बात हो रहा था एमटी का। एमटी में क्यों अप्लाई करके देखा है, क्योंकि हमारा अभी जो ये डिस्प्ले साइज है वो हमारा बेसिकली मीडियम पे है। तो अभी देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि कुछ हम लोग यहाँ पे अभी एक ये बनाते हैं कि सपोज कि हमारा जब एमटी साइज रहता है तो क्या हो कि हमारा 6 पे रहे, ऑल राइट। बाकी इन दो ग्रिड को मैं हटा देता हूँ, तो अभी यहाँ पे क्या होगा गाइस कि यहाँ पे हमारा 6 और 6 में मतलब हाफ एंड हाफ में हमारा डिस्प्ले डिवाइड हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड अप्लाई करके दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को उसका एग्जैक्ट विथ समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ डेंजर ले लेता हूँ और सॉरी मैं यहाँ पे डेंजर दैट मीन्स की हमारा क्या रहेगा वो रेड कलर हो जाएगा और वार्निंग दैट मीन्स की हमारा येलो कलर पे शो होने लगेगा। सो गाइस देख सकते हैं काफी सही तरीके से। अभी देखिए यहाँ पे मैं कुछ BR अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए अभी हमारा क्या हो रहा है कि कुछ इस तरीके से हमारा कॉलम मतलब कि डिवाइड हुआ है, ऑल राइट। देखिए अभी मैं सिंपली यहाँ पे अगर कुछ पी टैग को अप्लाई कर दूं कि उसका थोड़ा पैडिंग को इंक्रीज करने के लिए, सो हम यहाँ पे कुछ ऐसा रख देंगे, ठीक है। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कॉलम हमारा क्या हुआ है कि जो हमारा डिस्प्ले है वो हमारा क्या है कि हाफ एंड हाफ में डिवाइड हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग 12 को 6x6 कर दिए, तो इसलिए हमारा क्या हुआ 6x2 हम लोग कर दिए, तो हमारा क्या हुआ कि 2 में डिवाइड हो गया, 100% हमारा क्या था 12 था। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। बट इन केस हमारा यहाँ पे जो कंटेंट रहता है देखिए अभी मैं सपोज कि यहाँ पे कुछ पी टैग ले लेता हूँ अपने कॉलम फास्ट में और यहाँ पे मैं कुछ लॉरम 50 का यूज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा गाइस, तो गाइस देख सकते हैं कि हमारा कुछ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ही अप्लाई हुआ है। सेम एज इट इज हम लोग क्या करेंगे कि अपने नेक्स्ट वाले में भी हम लोग सेम अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग अप्लाई कर दिया। तो अभी हमारा दोनों एंड पे हमारा क्या है कि कंटेंट शो होने लगा। अभी देखिए क्या ये कि ये रिस्पॉन्सिव हमारा अभी तक वर्क नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग बिना कुछ किए हुए। देखिए अभी ये यहाँ पे जो हो रहा है, देखिए अभी जैसा क्या है कि हमको ये इस पे भी 12 ले रहा है, ठीक है, और इस पे भी हमारा क्या कंटेंट बहुत ज्यादा चौड़ा हो गया है। अभी इसको हम लोग मैनेज करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए अभी जैसे ही मतलब कि स्मॉल पे हो तो यहाँ पे अभी मैं दूसरा कंडीशन लगाऊंगा कि कॉल, दैट मीन्स हमारा कॉल का क्या होता है कि सबसे छोटा डिवाइस जो मतलब हमारा 5, देखिए यहाँ पे हमारा ये चीज दिया हुआ है, देखिए 576 से जो भी हमारा लेस देन 576 से रहता है, ठीक है, तो ये हमारे स्मॉल डिवाइस में आ जाता है। तो अभी हम लोग चलिए इसको मोबाइल्स के हिसाब से चेंजेस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अप्लाई करूँगा कॉल, दैट मीन्स कि हमारा 557 से लेस देन जो भी हमारा रहेगा डिवाइस उसमें हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 12 कि जैसे ही अगर हमारा उस साइज में अप्लाई होगा तो हमारा क्या होगा कि कुछ कॉलम ऐसा बिहेव करे, ठीक है। तो अभी हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं, देखिए अभी भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि हम लोग कॉल पे रखे हैं। अगर हम सबसे जो छोटा, अगर देखिए यहाँ पे मोबाइल हमारा कितना 320px पे अभी इस पे लाएंगे तो देखिए हमारा क्या है कि 12x12 पे ले चुका है, दैट मीन्स कि हमारा ऊपर में ये पूरा 12 लिया है, ठीक है। विथ हमारा जितना भी रहेगा उसका हमारा 12 से डिवाइड होगा। ये नहीं है कि हमारा छोटा अगर हो जाता है तो हमारा ऑटोमेटिक स्मॉल पे होगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारा जो भी विथ का स्क्रीन का जो भी साइज है उसमें हम लोगों को 12 कॉलम डालने का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी यहाँ पे देखिए क्या है कि 12 क्यों ले लिया, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरीके से कुछ पास कर दिए। अगर हम कॉलम में डाल देते हैं इसको कुछ 8 और फिर हमारा कितना बचा 4 बचा, तो 4 इसमें डाल दिया। अभी देखिए क्या होगा, रिफ्रेश कर देंगे तो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। काफी ज्यादा हमारा और नीचे तक चला गया है कंटेंट। तो
तो देखिए यहाँ पे ये कहने का है कि हम लोग जब भाई जब हमारा छोटा पे आए तो हमारा क्या हो कि 12-12 पे हो जाए, दैट मीन्स कि हाफ एंड हाफ पे हमारा मतलब कि 100-100 पे पूरा ले करके हमारा नेक्स्ट लाइन में हमारा नेक्स्ट वो कॉलम चेंज हो जाता है। देखिए मगर अब ये क्या है कि स्मॉल साइज में हमारा 12-12 पे दिख रहा है, इसमें भी क्या है कि हम लोग को मतलब कि नेक्स्ट पे चलना है, यहाँ पे 606 से होया हुआ है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कॉलम हम लोग को एक और मिल जाता है कॉल एसएन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉल एसएन को सिंपली 12 यहाँ पर भी, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश जैसे ही कर दूंगा तो देख सकते हैं कि अभी हमारा क्या हुआ है कि यहाँ पे फिर से 12 पे हमारा लेने लगा। देखिए अभी जैसे ही यहाँ पे देखिए ये लैपटॉप साइज हुआ, ठीक है, ये लार्ज हुआ, जैसे ही मैं इस पे आ रहा हूँ तो हमारा क्या है कि 6 and 6 पे है, दैट मीन्स कि हमारा क्या हो रहा है कि कॉल एमडी अभी कॉल हो रहा है, ठीक है, कॉल एमडी हमारा वर्क कर रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट जैसे हुआ, देखिए अभी मैं इसको इधर कर देता हूँ सीक्वेंस वाइज, जैसे ही मैं इसको छोटा करते जाऊंगा गाइस तो जैसे ये एसएम पे आएगा साइज पे तो हमारा क्या होगा फिर से कि देखिए कुछ इस तरीके से वर्क बिहेव करेगा। तो अभी हमारा क्या पास हुआ कॉल एसएम पास हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारा जैसे ही कॉल हम एकदम अगर स्मॉल पे रख देते हैं तो हमारा सिंपली कॉल 12 पास हुआ, ठीक है, कॉल एसएम 12 पास हुआ, कॉल 12 पास हुआ। तो इस तरीके से गाइस हम लोग क्या है कि अपने हिसाब से हम लोग कर सकते हैं कस्टमाइज। जैसे कि अभी देखिए यहाँ पे सपोज कि हमको मेरे को कुछ तीन हमको तीन कॉलम शो करवाना है, ठीक है, जैसे नॉर्मली अगर फास्ट में मैं देख लूं तो कुछ हमको इमेज शो करवाना है, ठीक है, या पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपने 3 से कर लेते हैं तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए 3 का अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमको 3 कॉलम का, ठीक है, जब भी हमारा लार्ज स्क्रीन हो दैट मीन्स कि जब भी हमारा ऐसा हो तो हमारा क्या हो कि यहाँ पे 3 हमको अलग अलग कॉलम दिखे, बट जैसे ही वो स्मॉल हो या फिर जैसे ही वो एकदम हमारा सबसे छोटा डिस्प्ले पे आ जाए लेस देन 576 पीएक्स पे से भी नीचे आ जाए तो हमारा क्या हो कि वो पर्टिकुलर एक अपना अपना सेक्शन ले ले, ठीक है, मतलब वो 12-12 पे प्लेस हो जाए। तो उसको हम लोग कैसे यहाँ पे कर सकते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे हमारा 6 लिया हुआ है, 6 लिया हुआ है, एक हम लोग यहाँ पे एक और डिव लेंगे सिंपल एज दैट, और उसके अंदर हम लोग क्लास, देखिए ये सारे चीज को हम सेम पास कर देंगे कुछ इस तरीके से, बट जब हमारा मीडियम पे रहेगा, अभी देखिए इसको अगर हम सेम काम कर देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा, तो अभी हमारा देखिए क्या होगा कि एक तो हमारा यहाँ पे 6 और 6 होगा और ये दूसरा वाला जो 6 है वो हमारा रेस्ट हो जाएगा, दैट मीन्स कि हमारा वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अभी जैसे इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ अलाइनमेंट सही हुआ नहीं, इसको हमको क्या एक रो में सेट करना था, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं गाइस कि ये जो हमारा 6 होया हुआ है इसको हम लोग सिंपली 4, 4 2 8, 4 3 12 कुछ इस तरीके से हम लोग अलाइन कर दिया है अगर चीजें को, और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं काफी सही, अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइम लगा देता हूँ, ठीक है, देख सकते हैं कि हमारा काफी सही तरीके से क्या है कि कॉलम हमें हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है, सही तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। और अभी देखिए इस पे रिस्पॉन्सिव हमारा कैसे वर्क करेगा कि यहाँ पे मैं क्या अप्लाई किया हुआ हूँ, ठीक है, कॉल एसएम भी अप्लाई किए हुए हैं कि कॉल एसएम पे जब हो तो 12 हो जाए, ऑलराइट, कॉल हमारा जब एकदम सबसे ज़्यादा स्मॉल हो तो हमारा 12 हो जाए, ठीक है, इस पे भी 12 हो जाए। देखिए अगर हम लोग सपोज चाहते हैं कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव चेक कर लें तो देखिए इंस्पेक्ट मैं करता हूँ और सबसे बड़ा पहले अगर हम लोग तो हमारा क्या 4, 4, 8, 4, 12 पे हो रहा है। जैसे ही मैं इसको स्मॉल पे लाऊंगा गाइस तो कुछ इस तरीके से हमारा जो हमारा पैराग्राफ है जो हमारा कॉलम है वो हमारा बिहेव करने लगेगा, दैट मीन्स कि पूरा का पूरा एक ये जो रो है वो 12 ले लिया, दूसरा वाला भी 12 ले लिया एंड तीसरा वाला भी 12 ले लिया, एज सिंपल एज दैट। मैं स्मॉल वाले पे भी सेम काम किया हूँ तो कुछ इस तरीके से होगा। अगर मैं स्मॉल वाले पे देखिए अभी यहाँ पे मैं कॉल पे आ करके यहाँ पे कुछ कर देता हूँ कुछ ऐसा कि मतलब 6 और फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 6 देन 12। तो देखिए ये हमारा कॉलम क्या होगा यहाँ पे हमारा ये नहीं कॉल एसएम में मैं कर दिया था यहाँ पे कॉल में होगा 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये 6 हम कर दिया और ये भी हम 6 कर दिया और इसको हम 12 रन दिए। तो अभी हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा दो पैराग्राफ है ये हमारा एक
मतलब एक कॉलम में दोनों शो करेगा क्योंकि वो 6 6 से है, ठीक है, और तीसरा वाला पूरा 12 में शो करेगा। अभी मैं आप लोगों को आउटपुट दिखाता हूँ कि देखिए अभी हमारा बाय डिफॉल्ट में कुछ ऐसा दिख रहा था क्योंकि ये कॉलम हमारा पूरा क्या है कि 12 दिया हुआ था। जैसे मैं इसको गाइस रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए एक हमारे यहाँ पे 6 हो गया ये पूरा का पूरा, दूसरा भी हमारा 6 हो गया, एंड तीसरा वाला हमारा जो है गाइस वो हमारे क्या है कि 12 पे वर्क कर रहा है। दैट मीन्स कि कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज है कि हम लोग रिस्पॉन्सिव अपने हिसाब से हम लोग को हर एक साइज में, ठीक है, हर एक डिस्प्ले में हम लोग को जिस तरीके से शो करवाना पड़ेगा उस तरीके से हम लोग शो करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और भी काफी ज्यादा कुछ हमारा ग्रिड के लिए दिया हुआ है, ठीक है, ये सारा कुछ चीज बिहेवियरिंग को भी है, मैं अभी आप लोगों को बता दिया हूँ और कैसे हर एक चीज वर्क होगा। देखिए अभी मैं आपको 4 का भी एग्जांपल दिया, 6 का भी एग्जांपल दिया, 12 का भी एग्जांपल दिया। तो इस तरीके से देखिए अभी यहाँ पे 4 4 4 किया हुआ है, ये सेम चीज हम लोग यहाँ पे किए हैं MD पे, तो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग को जितना ज्यादा मतलब कि जिस हिसाब से हम लोग को करना रहेगा उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। कॉल हम लोग को कॉलम कस्टमाइज करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग को 5 मिल जाता है, एक हमारा XLL, ठीक है, XXL, ठीक है, XXL हम लोग को मिलता है, दूसरा XL और तीसरा हमारा LG MD SM कॉल। तो हम लोग देखिए अब अगर मैं जहां तक के डेवलप करता हूँ जहां पे करता हूँ तो मेनली हमारा क्या है कि इन चार कॉलम चार क्लास का ही यूज होता है हमको पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिव वर्क करने के लिए, क्योंकि XXL का बहुत ज्यादा मतलब 14 जो हमारा 1400 पिक्सल से भी बड़ा जो रहता है स्क्रीन उस पर वर्क करता है, तो ये काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो ये मेनली हम लोग नहीं यूज करते हैं एज अ डेवलपर, हम लोग नहीं यूज करते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे सारा कुछ ग्रिड में देख चुके हैं, ठीक है, और ये हमारा देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि यहाँ पे देखिए बेसिक टेम्पलेट है कि हमारा टेम्पलेट क्या होता है। सो गाइस अभी हमारा क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो हमारा बूट स्टेप है, ठीक है, बूट स्टेप का पूरा ट्यूटोरियल जो था वो आज हमारा यहाँ पे एंड हो चुका है। इसके बाद हम लोग गाइस पढ़ने वाले हैं कि वर्डप्रेस कैसे वर्क करता है, वर्डप्रेस हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं वर्डप्रेस में। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, और हाँ आज हम लोग यहाँ पे बूट स्टेप का जो भी हमारा ट्यूटोरियल था बूट स्टेप 5 का ट्यूटोरियल था वो यहाँ पे हमारा खत्म हो चुका है। और गाइज ऐसे ही वीडियो में बने रहिए गाइज, हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हम लोग वर्डप्रेस कैसे बना सकते हैं, वर्डप्रेस पे क्या कुछ काम कर सकते हैं। तो अभी जल्दी हमारा न्यू ट्यूटोरियल स्टार्ट होने वाला है, प्लेलिस्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, सो आप लोग स्टे रहिए हमारे चैनल पे गाइस। और यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से। सो गाइस अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।